आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब चारों लोग यानी कि धर्म, श्रवण, विद्या और मीरा मोदी भवन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उन्हें डिनर पे आज वहां पर जाना है, तभी गौरा के दिमाग में नया खतरनाक प्लान चलने लगता है। वो मीरा को इस तरह से बच के नहीं जाने देना चाहती, और इसके लिए, क्योंकि जो कुछ मीरा कर रही है धर्म को अपनी तरफ करने के लिए, उससे वो बहुत ज़्यादा नाखुश है। और इसके लिए उसने एक अन्नकूट की नई रस्म रख दी है और मीरा से कहती है कि ये सारे के सारे गेहूँ जितने भी किलो हैं ये सब तुम्हें खुद से पीसने हैं। लेकिन मीरा भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो इलेक्ट्रॉनिक आटा पीसने वाली मशीन मंगवा लेती है और उसको ऑन करके वो उससे गेहूँ पीसने लगती है। जो गौरा उसमें भी काफ़ी अड़चने डालने की कोशिश करती है ये कहते हुए कि नहीं बेटा, ये रस्म तो तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए। तब वो कहती है, बाजी आप कहाँ 18वीं शताब्दी में अभी भी अटकी हुई हैं। अरे मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करूँगी, देखिए ना कि एक हाथ से मैं इसमें गेहूँ डालूँगी और दूसरे हाथ से मैं स्विच को ऑन और ऑफ करूँगी, तो हो गए ना मेरे दोनों हाथ इस्तेमाल, और आटा भी तो मैं ही पीस रही हूँ, तो हाँ हो गया ना, ये भी आपकी अन्नकूट की रस्म भी हो गई और वो भी आपकी बहू के द्वारा ही, तो आप परेशान क्यों होती हैं। अब इसमें तो गौरा कुछ कह ही नहीं सकती और धर्म भी मीरा ये बात सुनने के और देखने के बाद मीरा की बहुत तारीफ करता है। अब ना चाहते हुए भी गौरा को इसमें हाँ करनी ही पड़ती है, लेकिन तभी वो देखती है कि मशीन पीछे से थोड़ी खुली हुई है, तो वहाँ पे ओपन एरिया की वजह से वो कुछ ना कुछ तड़तिकड़म भिड़ाने की यहाँ कोशिश करती है और बहुत ही चालाकी के साथ विद्या, दुर्गा देवी और धर्म को वहाँ से भेज देती है, क्योंकि वो मीरा का साड़ी का पल्लू उस मशीन में फंसा देती है ताकि जिस समय ये एक्सीडेंट हो उस समय मीरा की हेल्प करने वाला उसके पास कोई भी ना हो।